आशीर्वाद दे दिया, आपको धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई है। ध्यान दीजिए, महाराज जनक ने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी, लेकिन महाराज जनक की सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई। क्यों गड़बड़ा गई? ये जो भगवान का रोड शो हुआ ना जो जनकपुर में, हाँ, और सब जनकपुर वासी सब दीवाने बन गए भगवान के, हाँ, तो जो व्यवस्था महाराज जनक ने की थी कि इतने लोग आएंगे धनुष यज्ञ में, तो उससे कई गुना अधिक लोग आ गए, हाँ? इसलिए ऐसा वर्णन करते तुलसीदास जी कि महाराज जनक एक बार तो घबरा गए भीड़ को देख करके, और जहां सिंहासन पर बैठे थे तो उन्होंने बुलाया जो उनके विशेष विशेष सेवक थे, उनको बुलाया जल्दी आओ, और ये जो इतनी भीड़ हुई है तो जो जिस योग्य है जल्दी से व्यवस्था करो, इन सबको बिठाओ, हा? सारी व्यवस्था वहां हुई है। और तब भगवान राम रंगभूमि में आए हैं, नगरवासियों को समाचार मिल गया रंगभूमि में भगवान पधारे हैं, उनका दर्शन करने के लिए सब आ गए हैं। विश्वामित्र जी के साथ जब आए हैं, सबसे पहले महाराज जनक ने दौड़ करके विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ लिया। हम धन्य हो गए, आप इनको लेकर के हमारे यहां इस यज्ञ में पधारे हैं, हम धन्य हो गए। पूरी व्यवस्था को महाराज जनक ने घूम करके विश्वामित्र जी को दिखाया। ध्यान दीजिए, देखिए संसार में भी आप लोग जब कोई कार्यक्रम आयोजन कुछ करते हैं ना, तो आप लोगों के हृदय में ऐसी आशा होती है कि भाई लोग देखें और फिर जरा प्रशंसा करें, वे आपने बहुत बढ़िया किया, आपकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हा? ऐसा एक सामान्य लोगों के मन में रहता है। महाराज जनक की व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की है कि जब विश्वामित्र जी ने घूम करके देखा तो विश्वामित्र जी ने भी कहा, राजन भली रचना, व्यवस्था अच्छी है। बहुत तारीफ नहीं किया, ये महापुरुष लोग जो होते ना बहुत ज्यादा बढ़ाते चढ़ाते नहीं, थोड़ी प्रशंसा कर देते। अब भगवान राम और लक्ष्मण वहां सभा में खड़े। यहां पर एक इतनी विलक्षण बात हुई है कि भगवान को वहां उपस्थित हजारों लोगों ने अलग अलग रूप में देखा। देखो यदि यहां इस स्टेज पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो आपको वो व्यक्ति कैसा दिखेगा? यदि आपका कोई प्रिय होगा तो अच्छा दिखेगा, और प्रिय नहीं होगा और उससे कोई दुश्मनी नहीं होगी तो नॉर्मल दिखेगा, आदमी है, और यदि कोई दुश्मन होगा तो बुरा दिखेगा, यही तो होगा ना। तीन प्रकार से आप किसी व्यक्ति को देखोगे ना, या तो अच्छा, या तो नॉर्मल, या तो बुरा। लेकिन प्रभु राम जो खड़े हुए हैं यहां पर जनक की सभा में, तो उनको कैसे देखा? उनका चिदानंदमय देह है, इसलिए देख ही रूप महारन हीरा, देख ही रूप महारन हीरा, मन तीर रस धरे सरीरा, मन तीर रस धरे सरीरा। वहां जो बड़े बड़े वीर बैठे थे उन्होंने ऐसे देखा भगवान को जैसे वीर रस साक्षात प्रकट हो गया हो। और वहां पर कुछ दुष्ट राजा लोग भी थे, तो रहे असुर छल छो नीप बेसा, रहे असुर छल छो नीप बेसा, बिन प्रभु
राजाओं को वो काल की तरह दिखाई पड़े, और वहां जो विद्वान लोग थे ज्ञानी उनको विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, और भक्तों को भगवान दिखे, और राजा जनक और सुनैना जी को अपने बालक की तरह दिखे, यानी जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखे बिन तैसी, प्रभु मूरति देखे बिन तैसी, जिसकी जैसी भावना थी वैसे भगवान दिखाई पड़े। और महाराज जनक ने जो व्यवस्था की है उसमें सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, एक सुंदर विशद विशाल मंच बनाया गया था। उसी मंच पर भगवान राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी विराजमान हुए, और जैसे ही वो विराजमान हुए जो और वहां हजारों राजा बैठे थे, भगवान को देखते ही सब मन ही मन हार गए। उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारों की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति हो गई। और कुछ राजा लोग कहने लगे, भाई क्यों बैठे हो, चलो ना, क्यों धनुष तो यही तोड़ेंगे, अरे धनुष यही तोड़ेंगे, क्यों हंसी कराते हो। और दर्शन करना है तो बस दर्शन करो, ये जगत पिता जगत जननी है। हमारा सौभाग्य कि महाराज जनक ने ये आयोजन किया, हम यहाँ आए, दर्शन करो आनंद लो। जो दुष्ट राजा लोग थे उन्होंने कहा, अच्छा तुम कहते हो कि ये धनुष तोड़ेंगे, अरे धनुष तोड़ भी देंगे यदि ये तो सीता जी से इनका ब्याह हो जाए, नहीं हो सकता, अरे सीता को पाने के लिए तो हम एक बार काल से भी लड़ जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे कुछ दुष्ट राजा लोग भी वहां बोलने वाले थे, बकबक कर रहे थे ऐसे ही। इतने में महाराज जनक ने बंदी जनों को बुलाया, सारी सभा को सावधान किया बंदी जनों ने, और घोषणा कर दिया, हमारे महाराजा अधिराज की ये प्रतिज्ञा है, जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी को सीता जी सियाजू वरण करेगी, जो तोड़ेगा उसका वरण बिना विचार के कर लेगी। बस धनुष तोड़ना चाहिए, धनुष भंग करना चाहिए, बंदी जनों ने यह घोषणा किया है। और जब घोषणा हो गई, अब पहले कौन उठे, जावे कौन, तो कौन चले, एक उठा पीछे से, राजाओं के साथ वो रहते ना जो उनके बारे में बताने वाले, महाराजा धीराज अमुक अमुक यहाँ के, इनका ये ऐसा है, इनका ये ऐसा है, वो बोल रहे हैं। और राजा जी उठे, मुझ पे ताव दिया, और ताव देके अकड़े, सीना फुलाया, पहुंचे चले इधर धनुष के तरफ, खड़े हो गए, फिर तमकी ताकी तकी शिव धनु भरहि, तमकी ताकी तकी शिव धनु भरहि, उठहि न गोति हाथी बल करहि, उठहि न की ताकी तकी, अभी उठा लेगा, अरे दाया हाथ भी नहीं बाया हाथ भी, ये हाथ ही हिल रहा है, पसीना छूट गया, तो दाहिना हाथ लिया, इससे नहीं उठा, इससे उठा थोड़ी देर यूं यूं किया, पसीना छूटने लगा,
ठग 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 सिर नीचा आके अपने सिंहासन पे सीट पे बैठ गए। जो बाकी के थे वो खुश हो गए, चलो नहीं टूटा इससे, हमारा नंबर आ गया। आप दूसरा उठा, दम 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 तक 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 चला धनुष के पास पहुंचा, फिर वो भी तमकी ताकी तकी शिव धन धरई, तमकी ताकी तकी शिव धन धरई। अरे भूप साहस हो गई तो सबने मीटिंग किया, चलो मिलके ट्राई करते हैं। हा? अकेले से नहीं हुआ। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि एक साथ 10,000 राजा लोग लगे, लेकिन एक इंच भी धनुष को हिला नहीं सके। महाराज जनक निराश हो गए। राजा जनक खड़े हुए, बड़ी सभा में कहा, अब आज के बाद हे देश देश से आए हुए राजाओं, कोई नाराज मत होना, लेकिन आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना, वीर विहीन मही मैं ध्यानी। आज मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। जाओ अपने अपने घर लौट जाओ, मेरी पुत्री सिया का विवाह तो लिखा ही नहीं है शायद विधि ने, ब्रह्मा ने। और जैसे ही महाराज जनक ने ऐसा बोला, इधर बैठे हैं लक्ष्मण जी, उनका मन डोला और सुमित्रा जी का दूध उबलने लगा, भ्रिकुटी टेढ़ी हुई, आंखें लाल हुई, होंठ फड़फड़ाने लगे और उठे कूदे मन से नीचे। कही जनक जसी अनुचित वाणी, कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहौं सुभाव न कछु अभिमान। महाराज आपकी आज्ञा हो। ये पुराना धनुष क्या है, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह उठा लूं, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, मेरु पर्वत को तोड़ दूं, कमल नाल की तरह प्रत्यंचा चढ़ा दूं और सैकड़ों योजन इसको लेकर के दौड़ जाऊं, जैसे वर्षा काल में
तो एक पौधा होता है छत्रक, जिसको राजस्थान में सांप की छतरी बोलते हैं, उसको बच्चा तोड़ता है, ऐसे इसको तोड़ दूं और आपके चरणों की सौगंध, यदि मैं ऐसा न कर दूं तो जीवन भर धनुष बाण हाथ में न लूं। लक्ष्मण जी की ये वाणी सुनी सीता जी बहुत प्रसन्न हुई, देवर जी बड़े अच्छे हैं, मतलब होने वाले देवर जी, और विश्वामित्र जी भी प्रसन्न हुए, प्रभु भी अंदर अंदर मुस्कुराए। अरे स्वामी का अपमान हो, सेवक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और राजा लोग तो डरे, प्रजा भी बहुत खुश हो गई। छोटा वाला बड़ा तेज है भाई, अब छोटा वाला इतना बड़ा तेज है, देखो बड़ा वाला क्या करता है। तब फिर विश्वामित्र जी बोले, उठहू राम को शांत करो। सहज ही भगवान राम उठे हैं, सहज ही चले हैं। हर्ष विषाद न उर कछुआवा, न हृदय में हर्ष है न विषाद है। और जब भगवान राम चलने लगे हैं, तब सब जनकपुरवासी जो वहां बैठे हैं, सब देवी देवताओं को मनाने लगे, हे प्रभु हमने कोई भी पुण्य कर्म किसी जन्म में किया हो सब लग जाए, हे सालसर वाले हनुमान जी तुम्हारी सैकड़ों सवामणि कर दूंगी, लेकिन धनुष को हल्का कर दो। इधर सुनैना जी चिंतित होती है, ये सभा के लोग सब पागल हो गए हैं क्या? अरे रावण सहस्त्रबाहु, उन्होंने इस धनुष को हाथ नहीं लगाया, ये इतने कोमल सुकुमार राजकुमार हैं, ये कैसे इस धनुष को तोड़ सकते हैं? अरे कोई महाराज को समझाता क्यों नहीं है, ये बालकों को क्यों उधर भेज रहे हो? तब एक सखी ने सुनैना जी को समझाया, देवी महारानी जी ये छोटे दिखते हैं, अरे छोटे तो अगस्त्य जी भी थे, समुद्र पी गए, सूर्योदय होता है छोटा सा सूर्य रहता है पूरी पृथ्वी पर प्रकाश कर देता है, छोटा सा मंत्र होता है देवी देवताओं को वश में कर लेता है, छोटा सा अंकुश होता है हाथी को वश में कर लेता है, इनको छोटा मत समझो, याद करो इन्होंने सुबाहु मारित का क्या हाल किया है और अहिल्या का उद्धार किया है, इसलिए चिंता मत करो। सुनैना जी का संदेह समाप्त हो गया। इधर सियाजू वो प्रार्थना करने लगी, हे सदा शिव, हे गणपति, मैंने अभी तक आपकी जो सेवा किया है, ऐसी कृपा करिए ये धनुष इतना हल्का हो जाए, राम आसानी से इसको उठा सकें। ये प्रार्थना करने लगी है, सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, राम की तरफ देख रही हैं। राम ने सीता जी की तरफ देखा, सीता जी परम व्याकुल है, उनकी व्याकुलता को जो प्रभु राम ने देखा अनुभव का वर्षा सब कृषि पराकाष्ठा पर पहुंच गई। भगवान राम ने सीता जी को देखा और इधर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देखते हैं, और फिर धनुष के समीप पहुंचते मन ही गुरु की प्रणाम
कठोर ध्वनि गूंजी, चिक्कर दिग्गज ढोल मही अहिकोल कूर्म कलमले। एक बार तो कूर्म भी कांपने लगा, शेष कांपने लगे। वो तो अच्छा हुआ जब लक्ष्मण जी ने भगवान पहुंचे थे तो पहले ही लक्ष्मण जी खड़े हो गए थे, सबको सावधान कर दिया था, इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं हुई। और सुर असुर मुनि सब कान दीने सकल विकल विचार ही सब। वो इतनी जल्दी हुआ, भगवान ने कब धनुष उठाया, कब लिया, कब क्या हुआ, बस ध्वनि सुनी सब लोगों ने और सब पूछे अरे किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। तुलसीदास जी बोले अरे और किसने बोल तोड़ा, हमारे प्रभु राम ने धनुष तोड़ा है। धनुष भंग हो गया, बलिए सियावर राम चंद्र जय हो, सियावर राम चंद्र भगवान की। धनुष भंग हो गया, जय जयकार होने लगे। भगवान ने चाप खंड को दो चाप खंड महिडारे एक स्थान पर फेंक दिया है। आप तो सिया जी भी प्रसन्न है, जनक जी भी प्रसन्न हो गए, विश्वामित्र प्रसन्न हो गए, सब सखियां, सब जनक पुरवासी, देवी देवता सब वहां आकाश में आकर पुष्प वृष्टि करने लगे, शंखनाद होने लगे, भेरियां बजने लगी, पुनः पुनः जय जयकार हो रही है। अब आगे क्या हुआ, जब ये हो गया तब शतानंदिनी ने कहा अब सीता जी को बुलाइए। वरमाला तो कर दो, सीता जी को बुलाइए। तब सीता जी प्रवेश करती हैं वरमाला हाथ में लेकर के। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय को प्रणाम करते हैं। भगवान झुकते हैं और सियाजू ठाकुर जी के गले में
जयमाल पहना देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सखी मंगल गाओ।